मैं डॉक्टर प्रमाण झा संस्कृत एम ए सहायक प्रोफेसर सत्यनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी 16 अक्टूबर 16-10-2020 ईस्वी प्रिय छात्र छात्राओं शास्त्री तिथि खंड व्याकरण विभाग भाषा विज्ञान विषय है पाली सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा की प्रथम युग की महत्वपूर्ण भाषा पाली है। इसे देश भाषा भी कहा गया है। इसका काल कुछ लोग पूर्वी सदी ईस्वी पूर्व से पहली सदी तक और कुछ दूसरी सदी तक पूर्व मानते हैं। भगवान बुद्ध ने जिस भाषा को उपदेश दिया और उनके उपदेशों को इस भाषा में सुरक्षित रखा, उसका पालन पोषण किया, उसी भाषा को पाली कहा जाता है। पाली शब्द की निष्पत्ति, उसका अर्थ, उसका क्षेत्र, उसका प्रयोग, उसका प्राचीन नहीं है। संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य के अध्ययन करने पर हम कह सकते हैं कि कम से कम ईसा की 13वीं-14वीं शताब्दी से पूर्व पाली शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में पाली शब्द का प्रयोग पंक्ति अर्थ में जच तक उपलब्ध होता है। अभिधान परिपीडिका में पाली शब्द पंक्तिवाचक है। पंक्ति विद्या बली सेन पाली रेखा संस्कृत में पंक्ति शब्द मूल ग्रंथवाचक बन गया है। अभिधान पदी विकास के समानार्थक पाली शब्द की व्युत्पत्ति पाधात से की गई है। पा पाली रखी की पाली अर्थात बुद्ध के वचनों को पालन की गई, रक्षण की गई, उसी का नाम पाली है। किंतु पाली शब्द मूल पाठवाचक था, वह भाषा के अर्थ में कैसे प्रयुक्त होने लगा इसके विषय में यही अनुमान किया जा सकता है कि कालक्रम से जब बुद्ध वचन विस्मृत होने लगे तब बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी रक्षा के लिए जिस भाषा में संगीत किया गया वही भाषा ही पहलाई पाली कहलाती थी। पाली शब्द सबसे प्राचीन आचार
बुद्ध पुरुष की अट कथाओं में और उनके विशुद्ध मग में मिलता है। आचार्य बुद्ध घोष ने भी इस शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया है। पहला मूल वचन या मूल त्रिपिटक अर्थ में, दूसरा पाठ या मूल त्रिपिटक, इन दोनों अर्थों में पाली का संबंध भगवान बुद्ध के उपदेशों या उनकी वाणी से है। चलमितम इधानीतम नो टू अट कथा इध, अर्थात सिंघल में पाली मात्र बुद्ध वचन ही लिया गया, नो की अट कथा। अर्थ में ही पाली शब्द का भगवान बुद्ध घोष ने अनेक सह किया है। इमानी ताप पल्लियम अट कथाम पना, ये तो पाली में है किंतु अर्थ कथा का इस प्रकार, देवम पालियम अट कथा विस्सति, पाठांतरों का निर्देश करते समय पाली मूल त्रिपिटक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इति पी पाली आचार्य बुद्ध घोष से पूर्व वर्ती चतुर्थ शतक में दीप वंश में पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन के रूप में किया गया है। आचार्य धम्मपाल 500-600 ईस्वी में भी परमच दीपिनी में पाली शब्द का प्रयोग मूल त्रिपिटक के पाठ अर्थ में किया है। आया कितु तदा गच्छतीत आगतीत पीपाली 1300 ईस्वी के ग्रंथ तुल मंश में भी पाली शब्द का प्रयोग दोनों ही अर्थों का सूचक है। आशय यह है कि प्राचीन ग्रंथों में पाली शब्द बुद्ध वचन तथा त्रिपिटक अर्थ में प्रयुक्त मिलता है। पाली शब्द की निष्पत्ति भी इन्हीं उपर्युक्त अर्थों के आधार पर की गई है। भिक्षु जगदीश काश्यप पाली शब्द को परिधाय से निकला हुआ मानती है, पर परिधाय शब्द त्रिपिटक के अनेक सह प्रयुक्त हुआ है। ब्रदम जाल सुख को जमु अयम अंत धम पर्यायेत, समझ फलसुत भगवता अनेन परिधानेन धम्मू प्रकाशितु, इन दोनों ही शब्दों में परिधाय शब्द का आशय बुद्ध के उपदेश से है। बाद में यही परिधाय शब्द पर्याय के रूप में मिलता है। अशोक के भाभू शिलालेख में बुद्ध के वचनों के स्वाध्याय के लिए प्रेरणा देते हुए प्रियदर्शी धर्मराजा कहते हैं,
इमानि भन्ति धर्म पाली यानी एतान भन्ति धर्म पाली या यानी मुक्षामि किंकि बहुके श्री रघुभर बाये त्रिकुण ये चा अभी की रखनम सुनिगुच्च उपधल ये युच इस प्रकार पाली जथा का संक्षिप्त रूप पाली है। भिक्षु सिद्धार्थ पाली भाषा का उद्गम और विकास विशेषतः संस्कृत व्याकरण के आधार पर अपने निबंध में पाली शब्द की रचना करते हुए लिखते हैं कि पाली शब्द का मूल संस्कृत पाठ शब्द है। उनके अनुसार ब्राह्मण वेद पाठ करते थे। वेद पवित्र थे, उसी प्रकार बुद्ध वचन भी पवित्र हैं। पाठ पवित्र वचनों के लिए प्रयुक्त शब्द है। मिथ्या साजिश के कारण पाठ ही पाल तथा पल पाल पाली शब्द बन गया, किंतु भिक्षु सिद्धार्थ का यह मत मान्य नहीं है। तृतीय मत मधुशेखर भट्टाचार्य का है कि उनके अनुसार पाली शब्द का रचना पंक्ति से हुई है। भट्टाचार्य पंक्ति में पाली तक शब्द का परिवर्तन क्रम इस प्रकार सूचित करती है। पंक्ति पंक्ति पति पट्टी पल्ली पाली वस्तुतः प्राचीन बुद्ध साहित्य में कहीं भी इस अर्थ में शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। श्रीमती रिज देवी सद भी बिजु समीर बर भट्टा साजी की मत का समर्थक है। डॉक्टर मिक्स बलेसर के अनुसार पाली शब्द का संबंध पाटलिपुत्र से है। पाटली का संक्षिप्त रूप ही पाली है, पर यह मत मान्य नहीं है। कुछ विद्वान पल्लीगों शब्द से भी पाली भाषा की उत्पत्ति तथा शब्द उत्पत्ति करना चाहते हैं। राजबाद ज्ञानेश्वरी ने गीता की भूमिका में प्रगट ब्रह्म पाली शब्द की क्रमिक रचना को स्वीकार करते हैं। श्री जहांगीर पाली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के प्रालेय या प्रालेयक से कहते हैं। इससे भी यही कल्पना विद्वानों ने की है। जो पोलिश टाइन अथवा पलेस्टीन प्रदेश की भाषा पाली मानती है। उपर्युक्त समस्त कल्पनाएं कष्ट कल्पना मात्र है।
आशय यह है कि पाली उस समय की जनभाषा थी जिसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए। भगवान बुद्ध के उपदेश जिन जनभाषा में संग्रहित हुए उसी जनभाषा का नाम पाली है। अब यह पूछता है कि पाली किस प्रदेश की भाषा, उसका मूल स्थान क्या है। सिंघल पाली बुद्ध पाली बौद्ध कुछ सुनिश्चित कारणों से पाली को मागधी मानने के लिए प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि पाली मागधी से अनेक दृष्टियों से भिन्न है। मागधी भाषा के दो रूप है, पहला प्रारंभिक, दूसरा उत्तरकालिक। उत्तरकालीन मागधी साहित्य है। यह प्राकृतकालीन नाटकों में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। इसी का वैयाकरणों ने उल्लेख किया है। मागधी में प्राच्य भाषा की विशेषता यह दृष्टगत होती है। संस्कृत के सख स्वध्वनियों में स्वध्वनि ही मागधी में शेष है। यही स्व सखत मीनों के लिए प्रयुक्त होता है। मागधी में रौ ध्वनि नहीं है। रौ एवं लौ ध्वनि का कार्य केवल लौ ध्वनि से किया जाता है। विश्व चव्यन जैसे नपुंसक शब्दों के प्रथमा और संबोधन के बहुवचन रूप विश्वा चव्यना जैसे अकारांत होते हैं। पाली में यह प्रवित छिन्नता के रूप में जैसे दृष्टगोचर होते हैं। इस प्रकार यह हम कह सकते हैं, उपर्युक्त विषयों के आधार पर भगवान बुद्ध के द्वारा जो सुरक्षित किए गए वही भाषा का नाम पाली है।